गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलो ब्लॉग में आगे चलने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। चलो सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ मैं। तो देखो मैंने अपना मेकअप बॉक्स निकाल लिया है। चलो सबसे पहले मेकअप करूँगी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। तो चलो मैं लेके आई हूँ अपना सिंदूरा, इसमें निकाल लेती हूँ सिंदूर सिंदूरे का। खुल नहीं रहा। तो देखो अभी मैं लगा रही हूँ पैर में महावर। बाबू दीदी लगा रही है, जो छानी नहीं दीदी लगा रहा है। दीदी लगा रही है। देखो मेरा यस बेटा भी तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना। तो देखो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताना। तो देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी पहना है मैंने। और आप सभी को एक चीज़ तो बोलना ही भूल गई, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप सभी खुश रहना और अच्छे से दुर्गा माता का सेवा करना। तो चलो सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ कंगन क्योंकि हाथ में एक चूड़ी पहनी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताओ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। तो चलो अभी अपने मम्मी को और दीदी को आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ये देखो ये रही मेरी मम्मी तैयार होके और ये पूजा का सामान। चलो दीदी को दिखाती हूँ। यस को तो आपने देख ही लिया है, दीदी भी रेडी हो चुकी है। ये देखो ये रही मेरी दीदी। अरे रुक तो जाओ जी। चलो देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो अब आप देखो मेरे दीदू का फाइनल लुक। तो देखो हमने पूजा का डलिया ले लिया है, अब हम चलते हैं मम्मी आ जाए तो। तो देखो हम तीनों सास बहू हो गए हैं रेडी और मेरा यस भी। देखो मम्मी कैसी लग रही है, लेके चलना पड़ेगा। कितनी प्यारी लग रही है मम्मी और दीदी। ए मम्मी के गोदी। चलो तो चलो हम घर से निकल चुके हैं, हमारा लुक दिखा दो। तो देखो हमको लौटना पड़ा, हम नहीं जा पाए मंदिर क्योंकि हाँ कह ली ना रास्ते में कुत्ते ने पोटी किया था तो मम्मी के पैर में लग गया। और कपड़ा पहने कपड़ा अब देखो कब जाते हैं। तो देखो मम्मी हम नहा के दूसरी साड़ी पहनेंगे फिर हम जाएंगे। तो देखो अब फिर से हम नहा धो के रेडी होके जा रहे हैं, मतलब हम नहीं मम्मी नहा धो के जा रहे हैं। तो देखो अभी हम रुके हैं दुकान पे कुछ लेने के लिए। बाय। मंदिर में देखो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मंदिर पे। ये रही सामने मंदिर। बहुत ज्यादा ही भीड़ है मम्मी। तो देखो हम आ चुके हैं मंदिर में, चलेंगे पूजा करने। बाल करे हन्ना नहीं बना था जब पूजा करब तो डारब। मुझे करना पड़ा थोड़े देर इंतजार क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी थी मंदिर में। नाली में गिर जाता है देवी प्रवर।
स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवे नकवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापिधानम च न न्यासो न च वार्चनम् तो देखो हमारा पूजा हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। अब घर चल के तो देखो यार मुझे भूख लग गई थी, तो अब मैं खाने जा रही हूँ कुरकुरे। गाइस गाय गाय देखो गाय गाय को भूख लग गई गाय। तो देखो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, अब चलो खाना बनाने। खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बहुत जल्दी है क्योंकि 12:30 बजने वाले हैं, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। अच्छे हैं, नाली में गिर जाते हैं। नाली में गिर जाते हैं इसलिए? हाँ। तो देखो मेरे देवर जी व्रत इसलिए रखे हैं क्योंकि ये बार बार नाली में गिर जाते हैं, इसलिए व्रत रखे हैं ताकि ये दोबारा नाली में ना गिरे। और ये रही मेरी फ्रेंड और एक ठू मेरी नंदी इधर है। तुम भी पास ही हो जी। गुड इवनिंग गाइस, तो मैं आई हूँ अभी मुँह धुल के, और चलो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी के सोने का तरीका। पूरा दरवाज़ा खोल के मम्मी सो रही हैं, वो पूछ लूँ। रुको दिखाती हूँ, देखो मम्मी सो रही हैं और इधर पूरा हॉल खुला हुआ है। तो देखो मेरे हस्बैंड ने लाया स्प्राइट, चलो पी लेते हैं, बहुत ही दिनों के बाद मिला। तो देखो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, जो कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा पहन के जा रही हूँ मैं मार्केट नवरात्रि की शॉपिंग करने। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। झोला लिए हो? तो देखो मैं भूल गई थी एटीएम ले जाना क्योंकि पैसे निकालने हैं हमको, तो सबसे पहले एटीएम ले लेती हूँ फिर चलूँगी। मेरे हस्बैंड आगे जाके खड़े हैं, तो मैंने ले लिया एटीएम। चलो अब चलती हूँ। तो हमें लेना है इस दुकान से दुर्गा जी की फोटो और चुनरी, चलो ले लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया दिया, चेक कर करके कि कहीं टूटा तो नहीं है। तो देखो हमने पूजा का सामान ले लिया, अब हम चलते हैं आगे। मेरे हस्बैंड ने निकाला एटीएम से पैसे। तो देखो हम आए अभी लेने सब्जी। तो देखो अभी मैं आई हूँ लेने चूड़ी अपने लिए। तो देखो जो मैंने दुर्गा जी का फोटो और सारी चीज़ें लेके आई थी, तो दीदी यहाँ पे रख रही है अपने मंदिर में और उनको चढ़ाएगी चूड़ी और सारा श्रृंगार का सामान। जब तक मेरे दीदी ने भगवान का स्थान दिया तब तक मेरा यस इधर उधर पूजा करने के लिए लगा हुआ था बेचारा। तो अभी आप देखना मेरी मम्मी बाबू को मंत्र पढ़ के रक्षा बांधेंगी हाथ में, सुनना क्या मंत्र बोलती हैं। तो देखो दीदी का था फास्ट, तो अभी मैं खाने वाली हूँ बहुत सारे फ्रूट्स प्रसाद के, और मैंने अपने बालों में तेल लगाया हुआ।
आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।